हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छा होंगे। मैंने अभी जीके का एनालिसिस डाला था। जीके के जो 50 क्वेश्चन, 2 सिर्फ मैथ, वो मैंने डाला था, तो जो लोग नहीं देखे वो देख लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आज के जो पेपर का लेवल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए कि इन फ्यूचर में क्या कट ऑफ जा सकती है, कितना अटेंडेंस रह सकता है, उन सब चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और लगभग अटेंडेंस कितनी रही बच्चों की, क्योंकि मैं खुद सेंटर पे गया हुआ था तो मैंने आइडिया लगाया कि बच्चों से बात किया कि ऑक्यूपेंसी कितनी थी, तो उस लेवल पर उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा कटअप की बात करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो इसमें मैं रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज दोनों बताऊंगा कि कितना होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होगा। आपको पता है लगभग लगभग 36 लाख बच्चे दिए हैं, 36 से ज़्यादा शिफ्ट है, तो अराउंड 1 लाख पर शिफ्ट में बैठ रहे हैं बच्चे। सो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और लगभग लगभग 40 से 50% अटेंडेंस रह रही है, तो इट मीन्स की उम्मीद है 17 से 20, मतलब मेरे हिसाब से 16 से 18 या 20 लाख तक बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, पहली चीज, तो कंपटीशन तो अच्छा रहने वाला है बच्चों, ये इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें तो इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा वैकेंसी की वजह से। यूपीएससी के भी छात्र जो है वो भी एग्जाम देने आए थे, मैंने ये चीज देखा है। ठीक, तीसरी बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ हो सकता है या सेफ स्कोर हो सकता है, कह सकते हैं एक आइडिया है, उससे ऊपर आप लोग कोशिश करिएगा कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट लेने की, क्योंकि उतना जाने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए, अगर मैं ज़्यादा घुमाने की बात नहीं करूँगा, मैं साफ साफ बात पे आ जाऊँगा। कल देखिए जीके का एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। जीके का एनालिसिस चैनल को, एक तो आप लोग वीडियो देखते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एटलीस्ट 7K मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 2 से 4 दिन में पहुँचा देंगे। ठीक है, 2 से 4 दिन में आप लोग पहुँचा देंगे, तो 7,000 आप लोग 2 से 4 दिन में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहुँचा देंगे बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़, जीके का मैंने 50 क्वेश्चन, लगभग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में अभी मैंने डाला है वीडियो, जो लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए उनको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ थोड़ा जल्दी प्रोवाइड कर लेता हूँ, यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लगता है आने में बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आते हैं मेन, कि क्या चीज़ें हो सकती हैं कट ऑफ के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी का, यहाँ पे होगा बच्चों रॉ स्कोर और यहाँ पे होगा नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था 130 रॉ स्कोर इज इनफ फॉर सिलेक्शन इफ 1,60,000 बच्चे लिए जाए। तो 1,60,000 के हिसाब से मैं डेटा ये बता रहा हूँ कि अगर 1,60,000 लिए जा रहा है तो 100 ये सेफ है। 133 से लेकर के 137 नॉर्मलाइज स्कोर मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम, इससे कम ही होगा। मैं फाइनल बताऊंगा जब आंसर किया जाएगा उसके बाद डेटा, बट ये जो रहेगा बच्चों चांसेस यही है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 127 से 130 इज इनफ फॉर सिलेक्शन, और 132 से बच्चों 135 मुझे लगता है कि कट ऑफ होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के बाद। ईडब्ल्यूएस में कहानी थोड़ी सी कम हो सकती है, 120 से 125 तक के बच्चों को सेफ रहेगा। और अगर हम लोग बात करें ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो 125 से 129 तक का चांसेस रहेगा इस बार, और थोड़ा सा और कम हो सकता है, इसमें डाउनफॉल रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि इतना ही ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा और देखने को मिल जाता है। SC ST का डेटा मैं पूरी तरह से तो नहीं बता सकता, बट ये मेरा एक गेस है कि भाई अगर आप लोग रॉ स्कोर 110 के अच्छे हैं, प्लस हैं, तो इट इज़ गुड फॉर यू, एंड ST पे 100+ आपके लिए अच्छा है। नॉर्मलाइजेशन अभी थोड़ा सा कहना इनके लिए मुश्किल होगा, थोड़ा सा डेटा जब मेरे पास ज़्यादा आएगा तो मैं उस पर बात करूंगा। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है अभी, इस पर मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही वाले ही सेफ हैं या ऐसा कुछ, और ये जो कट ऑफ है इससे कम ही जाने की उम्मीद है। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि इससे ज़्यादा तो कोई चांस ही नहीं, ये मैक्सिमम सेफ स्कोर रहेगा अगर 1,60,000 बच्चे लिए गए तो। 1,60,000 मतलब आप 10% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप ऐसे समझो। अगर 16 लाख बच्चे दे रहे हैं तो 10% मतलब हर 100 आदमी में से 10 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। आप अंदाजा लगाओ, कम से कम 6 से 7 लाख तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बस ऐसे एग्जाम देने आ जाते हैं। तो अगर 10% मतलब इट मीन्स कि वेरी हाई नंबर है बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई नंबर है। पिछले बार जब 2022 का एग्जाम हुआ था तो 3,60,000 थे, और अगर मैं बताऊँ नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए तो रॉ स्कोर 107 से 108 वाले बच्चे लगभग लगभग सेलेक्ट हो गए थे प्री में, 107 से 108, क्योंकि 114 ही कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस का 102 था, मतलब 96 से 98 वाले बच्चे क्लियर कर लिए थे। तो इस बार तो मैं 15 से 20 नंबर भी बढ़ा दे रहा हूँ, फिर भी ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। लेकिन ये जो एग्जैक्ट कट ऑफ है, जो आसपास होगा, वो चीज़ें बाद में आएंगी। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था, कम्युनिटी पे भी डाला था, जो बच्चे नहीं जुड़े वहाँ पे देख लीजिए। मैंने CHSL का 1 के
57 बोला था, और बाकी आप जाके देखिए आरबी रिवॉल्यूशन और बाकी चैनल ने 160 161 तक बताया था, और मैंने 157 बोला है, और 157 ही आया है, जाके देख लीजिए कम्युनिटी पे मैंने डाला हुआ है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे भी मैंने इस चीज को डाला है। तो ऑथेंटिसिटी के बारे में आप इस चीज से ज्यादा नहीं जानेंगे। हाँ भाई, चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर हैं, इसलिए थोड़ा सा कम लोग जानते हैं, किसी के चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो ज्यादा लोग जानते हैं, इस वजह से उनका प्रचार कर देते हैं, उनकी गलतियों को नहीं ध्यान देते। अभी मैं एक कटअप गलत निकाल देता हूँ तो लोगों को लगेगा कि गलत, बट मैंने आज तक एक भी कटअप ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं रहा, एनालिसिस मैंने प्रॉपर किया है, जब भी कटअप आया है 100% एक्यूरेसी के साथ आया है। बच्चों अभी प्रॉपर नहीं है, एक आइडिया है, बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोग की तब इसलिए मैंने ये निकाल दिया है, अदरवाइज मैं अभी कटअप नहीं निकालने वाला था, मैं कटअप निकालने वाला था जब आपका प्रॉपर एग्जाम एंड हो जाता है, अंदर की आ जाती है, उसके बाद निकालने वाला था। तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को। पहले तो यहाँ पे मैंने ऑल द बेस्ट भी भाई आप सभी को बोला है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।